नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। एक बार एक बच्चे ने एक संत से पूछा कि जीवन जीने का सही तरीका क्या है। जीवन जीने का सही तरीका क्या है, ऐसा कौन सा तरीका है जो उस तरीके से अगर जीवन को जिया जाए तो वो जीवन एक बेस्ट हो सकता है या वो जीवन सबसे अच्छा जीवन हो सकता है। तो गुरु जी ने क्या कहा वो मैं आपको सुनाता हूँ। वो एक कहानी के माध्यम से उन्होंने बताया, वो कहानी आपको मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी थे, वो कहीं जा रहे थे तो रास्ते में यानी कि सड़क के किनारे एक भिखारी उनको दिखा। भिखारी ने उनसे कुछ मांगा, यानी कि जैसे भिखारी सबसे मांगते इसी प्रकार उन सेठ जी से भी भिखारी ने कुछ मांगा। तो सेठ जी ने कहा कि आप तो बड़े हट्टे कट्टे तंदुरुस्त दिख रहे हो, क्यों नहीं आप कोई काम करो, भीख मांगने से अच्छा है तो आप कुछ अपना कमा के खाओ, उस वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। भिखारी ने जवाब दिया उनको सेठ जी को कि अगर मेरे पास कोई काम हो तो मैं काम करूं, लेकिन मेरे पास कोई काम ही नहीं है। अगर आप मुझे कोई काम दे देंगे तो मैं अभी से ही ये जो भीख मांगने का काम है वो बंद कर दूंगा। तो सेठ जी ने कहा कि मेरे पास आपके लिए कोई नौकरी या कोई काम तो है नहीं, लेकिन मैं उससे भी अच्छा कुछ आपको देना चाहता हूं। तो भिखारी ने कहा वो क्या चीज़ है जो आप मुझे देना चाहते हो। तो सेठ जी ने कहा कि आप ऐसा करिए कि मेरे पार्टनर बन जाइए, मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाइए। भिखारी ने सोचा यार सेठ जी मुझसे मजाक कर रहे हैं, मुझे भिखारी को बिजनेस पार्टनर वो क्यों बना रहे। भिखारी को यकीन नहीं हुआ कि सेठ जी जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, लेकिन सेठ जी ने उनको विश्वास दिलाया कि नहीं, मैं सच कह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बिजनेस पार्टनर बने। तो भिखारी ने पूछा कि मुझे क्या करना होगा। सेठ जी ने कहा देखिए, मेरा गेहूं का गोडाउन है, उस गेहूं के गोडाउन में से आपको सिर्फ करना क्या है कि गेहूं सप्लाई करना, मार्केट में आपको गेहूं सप्लाई करना है और जो भी उसमें जो मुनाफा होगा अपने को, जो भी अपना प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को हम महीने के अंत में बांट लिया करेंगे। भिखारी बहुत खुश हुआ, उनने सोचा चलो बहुत अच्छा काम मुझे मिल गया। वो उसी समय सेठ जी के साथ चला गया। उसने पूछ लिया अपने सेठ जी से कि सेठ जी, ये जो आप बोल रहे थे कि जो मुनाफा हम बांट लेंगे, तो क्या 80% आप रखेंगे और 20% मुझे देंगे, या फिर आप 90% आप रखेंगे और 10% मुझे देंगे। तो जो सेठ जी थे वो थोड़े मुस्कराए और बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप 90% रखना, 10% सिर्फ मुझे देना, यानी कि आप क्योंकि काम आप करेंगे तो आप 90% रखना और 10% मुझे देना। दूसरे दिन से जो भिखारी था वो सेठ जी के काम में लग गया, यानी कि रोज़ अपने मार्केट जाना, गेहूं को सप्लाई करना, जिस जिस दुकान पे उसको देना था सारे देके आया। इस तरह से देखते देखते 25 दिन हो गए वो इस प्रकार से काम में लगा रहा। एक दिन 25वें दिन उसने सोचा कि यार ये जो 10% है कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हर काम मैं कर रहा हूँ, मेहनत मैं कर रहा हूँ, जो गेहूं का जो सप्लाई करना है वो पूरा काम मैं कर, इनने तो सिर्फ मुझे मौका ही तो दिया है, इसके अलावा तो इनकी कोई मेहनत है नहीं, सारी मेहनत मैं कर रहा हूँ और 10% ये बैठे बैठे ले रहे हैं। अब सोचिए जरा इंसान की सोच देखिए कि जो इंसान भिखारी बना था, यानी जो इंसान भीख मांग रहा था, उसको अब अच्छा खासा काम मिल गया, उसके बाद भी वो क्या सोच रहा है कि ये 10% कहीं ज़्यादा तो नहीं है। ये सोचते सोचते उसका पूरा जो महीना था वो गुजर गया और महीने के जो लास्ट डे था उस दिन जो सेठ जी थे वो उनके घर आए, बोले कि चलो भैया 30 दिन हो गए, महीना ख़त्म हो गया, अब जो भी मुनाफा है उसको अपन बांट लेते हैं। भिखारी के मन में तो खोट आ गई थी, वो चाहता नहीं था कि 10% सेठ जी को दी जाए। तो उसने सेठ जी से कहा कि सेठ जी अभी कुछ हिसाब थोड़ा बाकी है, मैं थोड़ा और किसी से लेना देना है वो कर लूँ, इसके बाद में हम लोग हिसाब कर लेंगे। सेठ जी समझ गए कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ लेन देन मेरे पास तो पूरा, क्योंकि उसके ही तो गोडाउन से सारा सामान जाता था, उसको तो सारी चीज़ मालूम थी। तो उसने सेठ जी ने कहा कि देखो मुझे सब मालूम है कि कितना मुनाफा हुआ, कितना कमाई हुई, सब मुझे पता है, तुम मुझे टाल क्यों रहे, तुम मेरा जो 10% है वो क्यों नहीं दे रहे हो। तब जो भिखारी था उसने कहा कि ये 10% पे आपका कोई हक नहीं बनता, क्योंकि मेहनत मैंने की है, सारा जो काम था वो मैंने किया है, आपने सिर्फ मुझे एक मौका ही दिया है बस, इसके अलावा आपका कोई योगदान नहीं है, तो ये 10% जो है वो मैं आपको नहीं दूंगा। सोचिए उस सेठ जी की जगह पर आप होते और कोई भिखारी जिसको आपने काम दिया है वो आपसे ऐसा बोलता तो आपको कैसा लगता। तो आप क्या करिए, अब सेठ जी को बना दीजिए भगवान और भिखारी को बना दीजिए आप खुद, यानी भिखारी आप खुद हैं और सेठ जी समझ लीजिए भगवान हैं। भगवान ने हमें हाथ, पैर, कान, आँख, नाक, ये सारी चीज़ें दी हैं जो कि कीमती है, बहुमूल्य है, इसका कोई कीमत इसकी आँख ही नहीं जा सकती, ऐसी चीज़ें देकर आपको भेजा है। आपको 24 घंटे दिए हैं भगवान ने, क्या उस 24 घंटे में कुछ हिस्सा आप भगवान को नहीं दे सकते, क्या उसका 10% भगवान को नहीं दे सकते। अगर 24 घंटे का 10% निकालते हो तो करीबन 2.5 घंटा होता है, तो 2.5 घंटा तो आप भगवान को दे नहीं सकते, लेकिन क्या उसका 1% भी दे सकते हो,
24 घंटे का 1% होता है 15 मिनट, यानी 15 मिनट समथिंग। तो आप क्या 15 मिनट भी भगवान को नहीं दे सकते? चलो 15 भी छोड़ो, आप 1% भी मत दो, 1% मत दो, आप 0.5% तो दे सकते हो, 5-7 मिनट तो दे ही सकते हो ना। लेकिन फिर भी इंसान 1 मिनट, 5-7 मिनट का 1 मिनट भी भगवान को नहीं देना चाहता। आप ठीक उसी भिखारी जैसे हो जो कि बाद में बदल गया था। ज़रा सोचिए कि आपकी 25,000 रुपये महीने की तनख्वाह है, तो क्या आप उसमें से 10% भगवान के लिए खर्च नहीं कर सकते हो? चलो आप सोचो 10% तो यार 2500 रुपये हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा 2500 रुपये तो हम बाकी सारी चीज़ों में खर्च कर देते हैं, लेकिन भगवान के लिए 2500 खर्च नहीं कर देते। चलो 2500 छोड़ो, आप क्या 1% भगवान को देते हो? उस 25,000 का 1% होता है 250 रुपये, तो क्या महीने में आप 250 रुपये भगवान के लिए खर्च करते हो? नहीं। तो सोचिए हम लोग कितने बड़े एहसान फरामों से, इतनी सारी चीज़ें हमें मिली है, इतनी सारी चीज़ें भगवान ने हमको दी है, लेकिन हम रिप्लाई में या रिटर्न में उनको कुछ भी नहीं दे रहे, और साथ में हम और मांगने की सोचते हैं। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, ये कह सकते हैं कि इस कहानी से वो जो संत जी थे वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो भी है, जैसे भिखारी को मान लो अगर 10% ही मिल रहा था तो उस 10% में उसने खुश हो जाना चाहिए था, यानी जो हमें प्राप्त है वही पर्याप्त है। अगर ये आपने थॉट अपने पास रखा कि जो हमें ऊपर वाले ने दिया है वो हमारे लिए सफिशियंट है, अगर ये आपने सोच रखी तो आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। क्योंकि बच्चे ने पूछा था कि जीवन जीने का सही तरीका क्या है, तो जो संत थे उन्होंने बताया कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो हमें भगवान ने दिया है वही हमारे लिए अच्छा है और वही हमारे लिए सही था जब भी हमें वो चीज़ मिली है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी और सीख अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तो आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।